यहाँ पे बन रही है अभी कॉर्न आइसक्रीम। ये जो स्वीट कॉर्न है जिसे मैंने पीस लिया, मतलब बॉयल करके आप निचोड़ के फिर पीस लें। निचोड़ना यहाँ पे बहुत जरूरी है। फ्रोजन कॉर्न भी ले रहे हैं, रिफ्रेश करके बिल्कुल कस के निचोड़ें। मॉइस्चर बहुत कम होना चाहिए इसमें। ये लीजिए लिक्विड ग्लूकोज। ये जो कॉर्न है ये डाल दिया। और लिक्विड ग्लूकोज के साथ मैं इसलिए पका रहा हूँ क्योंकि मुझे चाहिए एक अलग सा टेक्सचर, और थोड़ा सा जो कॉर्न का कच्चापन होता है वो मुझे ख़त्म करना है। थोड़ा सा वनीला एसेंस ताकि कॉर्न का जो फ्लेवर है वो थोड़ा सा दबाना है हमें। और बिल्कुल एक छोटा चम्मच बटर, ये भी इसलिए ताकि रिचनेस बढ़ानी है मुझे, इसलिए मैं ये चीज़ें डाल रहा हूँ। ये बंद कर लेता हूँ और इसको मुझे ठंडा करना है पहले। तो ये मैं एक बोल में लेके ठंडा कर लेते हैं। अच्छा, गर्मा गर्म वनीला एसेंस के साथ नहीं मिलाना है क्योंकि क्रिस्टल्स जो है ना वो फॉर्म हो जाएंगे, इसलिए इसे ठंडा करना है। अब ये जो कॉर्न है बिल्कुल ठंडा हो गया है, बोल भी बिल्कुल ठंडा है। ये चीज़ का ध्यान रखें, आप चाहें तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं ताकि क्रिस्टल्स फॉर्म ना हो। यहाँ पे ये जो रेडीमेड वनीला आइसिंग है ये इसमें डाल लेता हूँ। ये लीजिए, ये पहले ये मैं पूरा टेम्परेचर ड्रॉप नहीं करूँगा। जैसे मैंने कहा कि जिनके पास आइसक्रीम मेकर है वो तो इस चीज़ को मिक्स कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से आइसक्रीम मेकर में डाल के, लेकिन जिनके पास नहीं है वो इस तरह से मिक्स कर लें। अब मैं इसे इस बोल में डाल लेता हूँ, ये लीजिए, और इसको यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर लेते हैं। इसको बंद करके डीप फ्रीज़र में रख दें, लगभग घंटा डेढ़ घंटा तक रखें ताकि ये बढ़िया तरीके से फॉर्म हो जाए। जब तक आइसक्रीम सेट हो रही है तो हम यहाँ पे कुछ और काम कर लेते हैं डेकोरेशन के लिए, और वो भी यूनिक तरीके से। तो यहाँ पे ब्राउन शुगर, उसका मुझे एक बढ़िया सा चिक्की बनाना है। कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। इसको सबसे पहले मेल्ट करना है हमें ताकि कैरमल बढ़िया सा फॉर्म हो जाए। और जब तक शुगर मेल्ट होती है मेरे पास ये सिलपाट है। अच्छा, आपके पास यदि ऐसी चीज़ ना हो तो बिल्कुल चिंता ना करें, आप बटर पेपर पे थोड़ा सा बटर लगाएं। और यहाँ पे ब्राउन शुगर में बिल्कुल थोड़ा सा पानी, बहुत थोड़ा सा। थोड़ा सा पानी, शुगर मेल्ट हो जाएगी, बढ़िया। ये देखिए अब शुगर बढ़िया मेल्ट होने लग गई है। अब मैं इस पैन को कर लेता हूँ बंद और इसे यहाँ अलग से हटा लेते हैं। क्या बात है, ये देखिए अब इसमें मैं फटाफट थोड़ा सा कॉर्न डाल दूँगा। ये लीजिए, ये कॉर्न डाल दिया, और कॉर्न डालने के तुरंत बाद मतलब मुझे फटाफट मिला लेना है। और ये मैं डाल लेता हूँ कि ये स्प्रेड कर लेते हैं इस पर। आइसक्रीम डीप फ्रीज़र में है, इसे फ्रिज में रख लेते हैं और असेंबल करेंगे थोड़ी ही देर में। अब ये देखिए डीप फ्रीज़र में रखने के बाद आइसक्रीम कितनी बढ़िया सेट हो गई है। और साथ ही साथ ये जो हमने डेकोरेटिव बनाया था कैरमल चिक्की, तो अब असेंबल कर लेते हैं। इसे मैं यहाँ रख लेता हूँ और एक स्कूप के साथ थोड़ा सा गर्म पानी में डाल लें। क्या बात है, ये देखिए, ये आइसक्रीम आप घर पे बनाएंगे और लोग परेशान हो जाएंगे कि ये फ्लेवर तो मार्केट में नहीं आया। ये लीजिए, अब इसके साथ साथ ये जो चिक्की हमने बनाई थी ये इसे भी इस तरह से ही, ये देखिए क्या बात है, ऐसे ही क्रैक कर लेते हैं। ये क्या बात है, कॉर्न की चिक्की, वाह। एक छोटा सा मिंट लीफ लगा दें यहाँ। अजी ये है कमाल कॉर्न का।
food, food. It's sizzling.